दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का जो मेरा टॉपिक है, ये है कि आप जो जीएसटी का जो झंझट है इसको इजी तरीके से कैसे आप भर सकते हैं। मैं आज बताऊंगा आप लोग एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है जीएसटी प्लस। आप इंटरनेट में जाके gstplus.org में आप सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको वेबसाइट मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन। मोटिवेशनल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। जो आप लोगों के लिए बनाया गया है, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए बनाया गया है, ताकि आपको हायर करने की जरूरत न पड़े। आप खुद से वो सारे इन्वेंट्री रिकॉर्ड, सारे इनवॉइस, बिल्स वगैरह जो भी आप खुद से जनरेट कर सकें, और आपका जो भी स्टॉक रिकॉर्ड है, ये सारा चीज आप जनरेट करके आप खुद से पूरा जीएसटीआर का रिटर्न फाइल भर सके। ये और ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका सबसे बड़ा खूबी है कि 24/7 का सपोर्ट मिलता है आप लोगों को, जितने भी कस्टमर इसके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जाकर के प्रैक्टिकल रूप से कि क्या है और नहीं है। आप उसको समझिए, जो मेरा वीडियो अभी हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे, उसको समझिए। समझने के बाद में फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि मुझे इसके साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ जाना है या नहीं जाना है। लेकिन ये मेरा गारंटी है, अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप इसके साथ पक्का जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है ही इतना अच्छा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और बारक्राफ्ट इन्फोटेक में फिर से आप सबों का एक बार स्वागत करते हैं स्क्रीन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं अभी स्क्रीन पे और हम लोग आज देखेंगे जीएसटी प्लस का बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन। ये सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है, और मैंने इस सॉफ्टवेयर को देखा भी है पर्सनली, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है अगर आप जीएसटी भरते हैं तो। और अगर नहीं भरते हैं तो भैया हो जाइए सावधान, क्योंकि अभी तो होने वाली है फिर प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्टली प्रावधान किया है कि हर किसी को जीएसटी भरना है, चाहे वो छोटा सा आपका दुकान हो या बड़ा सा एम्पायर, तो जीएसटी भरना। अभी क्या है कि जीएसटी नाम सुन के ही दिमाग में एक बड़ा होचपोच आ जाता है कि यार जीएसटी है क्या, बड़ी प्रॉब्लम है। जीएसटी नाम सुन के ही दिमाग खराब होने लगता है। अभी चलो एक बंदे को हायर करो, वो बंदा आएगा आपके यहाँ, आप उसको पैसा देंगे, वो काम करेगा, फिर आपको डिपेंडेंट किसके ऊपर हो जाना पड़ता है, उस बंदे के ऊपर। वही चीज देखते हुए gstplus.org जो वेबसाइट है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का कोशिश किया है कि किस तरह से आप जीएसटी का जो रिटर्न भरना है, आप उसको आसान तरीके से और कम खर्च में। सबसे बड़ी बात है कि कम खर्च, क्योंकि अगर आप एक बंदे को हायर करते हैं वहां पे पैसा बहुत ज्यादा लगता है आपका, तो यहां पर आप बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने हर एक फाइल को आप मैनेज कर सकते हैं, बिल बना करके कस्टमर को दे सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। जिस बिल को बनाने के लिए आपको एक टाइम लगता है, वो आप ऑनलाइन यहाँ से बना के दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, और यहाँ से ये जो सॉफ्टवेयर है जीएसटी प्लस का, यहाँ से आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता है, और एनी टाइम 24/7 का सपोर्ट आपको मिल जाता है यहाँ से। तो आइए हम लोग जान लेते हैं, उसमें से हम भी बोले जा रहे हैं जीएसटी प्लस, जीएसटी प्लस अगर है क्या जीएसटी प्लस, तो आइए देख लेते हैं जीएसटी प्लस क्या है। सबसे पहले ये जो gstplus.org, मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, ये जो है gstplus.org, ये है वेबसाइट। जब भी आप लॉग इन करेंगे या जब इस पेज को खोलेंगे तो यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं अगर आप मेंबर हैं तो, या तो रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप, आप एज अ न्यू मेंबरशिप आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप लेने का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इस्तेमाल करने के पहले आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मैंने आपको वादा किया, बताया पहले भी, कि मैं एक एक करके इसका ट्यूटोरियल में आपके सामने लेके आऊंगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं, अभी जो है फिलहाल में जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जीएसटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक
पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आपको जीएसटी से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है जीएसटी से लेकर के कि जीएसटी रिटर्न 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, कैसे भरना है और गवर्नमेंट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर नहीं भरते तो क्या होता है और भरते हैं तो कैसे भरते हैं, ठीक है। तो आप यहां से पूरा डिटेल्स आप जानकारी ले सकते हैं, आपको और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि अगर एक बार इस वेबसाइट पे आ गए तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगा, यहाँ से कहीं और जाने का ज़रूरत ही नहीं है। ये एक जीएसटी मॉल है समझ लीजिए आपके लिए, कुछ भी चीज़ आपको ज़रूरत चाहिए यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं इस पेज में और कुछ इसका फ्यूचर देखते हैं, इसका फ्यूचर क्या क्या है, मतलब क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जनरल में देखिए बिलर है, कस्टमर है, सप्लायर है, आपको मिल जा रहा है, वेयर हाउस का आपको डिटेल्स, डिस्काउंट, एक्सपेंस कैटेगरी, बैंक अकाउंट, बैंक चेक अलर्ट, ये सारे फीचर्स आप यहाँ पे पढ़ के दे सकते हैं gstplus.org, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, जनरल में आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, इसमें आपको GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, GSTR 4, ये भी जो ऑप्शंस है आपको सारे ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे रिटर्न फाइल करने के लिए। अकाउंट का सारा डिटेल्स आपको रखने में सुविधा होगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इनपुट आउटपुट टैक्स, जिस चीज़ को भी आप को मैनेज करने में अभी तक प्रॉब्लम हो रहा था या अभी तक आप मैनुअली कर रहे थे, तो वो सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इजी तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं और जब भी चाहे किसी रिकॉर्ड को खोल के देख भी सकते हैं, किसी को बिल भी बना के दे सकते हैं। ये सारे कामों को बहुत ही आसान बनाने के लिए जीएसटी प्लस आपके लिए लेकर के आया है। अभी रिपोर्ट बनाना है तो कैश फ्लो हो गया, स्टेटमेंट हो गया, डेली बेस पे आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट क्या है नहीं है आपके पास में। आप जैसे मैंने बताया कि आप वेयर हाउस देख सकते हैं, स्टॉक अपना चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टॉक में क्या है और नहीं है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और रिसीवेबल, ये सारे रिपोर्ट्स क्या है बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसा आप ऊपर में पढ़ सकते हैं कि POS सिस्टम और SMS इनवॉइस सिस्टम, ये क्या है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, इसको बहुत ही फायदे वाली चीज़ है, अगर चाहते हैं आप कि इसको हम ज्वाइन करें तो आप बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। और मैं अभी चलता हूँ सीधा प्राइस में और दिखाता हूँ आपको कि इसका प्राइस क्या है और कैसे है। सबसे पहला, तीन कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला है फ्री, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए ये कितना बेनिफिटेबल है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब तक हम लोग एक इंडियन मेंटेलिटी है तो चेक नहीं करेंगे भाई खरीदेंगे कैसे। तो फ्री वर्जन है, आप फ्री में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपको 20 कस्टमर को बिल देने की, आप 20 कस्टमर का यहाँ पर रिकॉर्ड रख सकते हैं, 100 इनवॉइस बना सकते हैं, फ्यूचर लिस्ट आप यहां पे बना सकते हैं। और ये आपको मिलता है 30 दिन के लिए मात्र, काफ़ी समय होता है 30 दिन आपको जानने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में। इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए 30 दिन काफ़ी है, आप इसको समझ सकते हैं, समझ लें, बूझ लें, उसके बाद इसको आप ले इस सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट में है आपका G++ और यहाँ है एक G+। तो फ्री के बाद जो सेकेंड वर्सन है, मैं उसमें आता हूँ G+ में। G+ में क्या है आपको कि अनलिमिटेड कस्टमर, जितना भी कस्टमर चाहे आप वहाँ पर ले सकते हैं, रख सकते हैं। और इसका जो चार्ज होता है ये 1800 है, बट अभी आपको ऑफर मिल जाएगा 1400 रुपये का, आप इसको ले सकते हैं। और इसमें अनलिमिटेड इनवॉइस बना सकते हैं, जितना भी कस्टमर को चाहे आप इनवॉइस देना दे सकते हैं। फ्यूचर्ड लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये आपका 1400 रुपये में 180 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और उसके बाद है G++। G++ का जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि आपको 2400 पे करना हो रहा है, 2400 रुपया पे करना होता है, जिसमें आपका कस्टमर अनलिमिटेड होता है और अनलिमिटेड इनवॉइस भी बना सकते हैं, फ्यूचर लिस्ट का फैसिलिटी भी मिलता है आपको यहाँ पे, प्लस
360 मतलब 2400 रुपये में आप 360 दिन तक इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। इतना सस्ता जीएसटी रिटर्न भरने के लिए या जीएसटी का पूरा डिटेल्स लेने के लिए आपको कहीं भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, और वो भी इसका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आप लोग आए एक बार देखें, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, अगर पेमेंट देके करना चाहते हैं तो पे यू के थ्रू आप यहाँ पे यू मनी के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे अवेलेबल है। नीचे में देखिए प्राइस एक्सक्लूड ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस, आपको इसमें टैक्स अलग से लगेंगे। 30 दिन का मनी बैक गारंटी है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको 30 दिन का मनी बैक गारंटी, जो पैसा टोटल आपके अकाउंट में वापस मिल जाता है। तो दोस्तों ये था जीएसटी प्लस का फीचर, और साथ में ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इस्तेमाल कीजिए, और ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा उस बेस पे भी आप कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।